गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ये काव्य पढ़ेंगे जिसका नेम है द यूजफुल प्लाव, यानी कि उपयोगी हल। इस काव्य में खेडूत जो है वो किस प्रकार खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और ग्राम्य जीवन शहरी जीवन से कितना अलग है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यानी ग्राम्य जीवन में जो शांति है वो शहरी जीवन में हमें देखने को नहीं मिलती। ग्राम्य जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पे ठंडी और गर्मी भी प्रमाणभूत मात्रा में रहती है। यहाँ के खेतों में हम जब चलते हैं तो बहुत अच्छी हवाएं और हमें महसूस करने को मिलती है। और यहाँ पे दूसरी एक बात और बताई गई है कि हम जो खेडूत है, यानी जो कृषिकार है, उसकी कंपैरिजन हम किसी कर्टियर यानी किसी भी दरबारी से कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि खेडूत जो है वो सुबह में उठकर शाम तक अपना काम करता है, और जब शाम हो जाती है तो वो अपने पशु और प्राणी जो भी वो पालता है उसे बंद कर देता है, और वो जल्दी से सो जाता है। फिर सुबह में वो पक्षियों के कलरव से जाग जाता है और अपना काम खूब अच्छी तरह से वो करता है। यानी कि वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही परिश्रम, बहुत ही मेहनत करता है, और तब जाके खेतों में वो अनाज उगा सकता है। तो यहाँ पे खेडूत जो है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताया गया है। हम लोग ये पोएम पढ़ेंगे। पहला स्टंजा देखो, अ कंट्री लाइफ इज स्वीट इन मॉडरेट कोल्ड एंड हीट, टू वॉक इन द एयर हाउ प्लेजेंट एंड फेयर, इन एवरी फील्ड ऑफ वीट द फेयरेस्ट ऑफ फ्लावर्स एडोर्निंग द बावर्स, एंड एवरी मीडोज ब्रो so that I say no courtier may compare with them who clothe in grey and follow the useful plough. A country life is sweet. यहाँ पे कवि कहते हैं कि ग्राम्य जीवन जो है वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही आनंददायक है। In moderate cold and heat, ग्राम्य विस्तार में हमें ठंडी भी प्रमाणसर मात्रा में मिलती है और गर्मी भी। इन मॉडरेट कोल्ड एंड हीट, यानी ग्राम्य वातावरण में हमें मापसर की ठंडी और गर्मी का भी एहसास होता है। टू वॉक इन द एयर हाउ प्लेजेंट एंड फेयर, इन एवरी फील्ड ऑफ वीट, वीट यानी गेहूं, गेहूं के खेतों में, गेहूं के हरेक खेत में हमें बहुत ही आह्लादक और आनंददायक हवा जब हम चलते हैं तो हमें मिलती है। यानी गेहूं के हरेक खेत में बहुत ही आह्लादक और अच्छी हवा हमें चलने पर महसूस होती है। द फेयरेस्ट ऑफ फ्लावर्स एडोर्निंग द बावर्स एंड एवरी मीडोज ब्रो, यानी हरेक खेत की जो धार होती है, किनारी होती है, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर फ्लावर्स यानी जो फूल होते हैं उससे उस किनारी को एडोर्न यानी सुशोभित किया जाता है। हर एक खेत की जो किनारी है उसे बहुत ही अच्छे फूलों से सुशोभित किया गया है। सो डैट आई से नो कर्टियर मे कंपेयर विद देम हु क्लोथ इन ग्रे एंड फॉलो द यूजफुल प्लाव। इसीलिए कवि कहते हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि हम लोग किसी भी कर्टियर यानी किसी भी दरबारी यानी कौन, जो राजा के दरबार में जो अलग अलग दरबारी बैठते हैं उसे हम लोग दरबारी कहते हैं। तो कवि यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि इसीलिए हम किसी भी दरबारी को कंपेयर विथ डैम यानी खेडूतों के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं नहीं है। हु क्लोथ इन ग्रे, क्योंकि खेडूत लोग जो होते हैं वो मैले गंदे कपड़े पहनकर सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते हैं अपने खेतों में, एंड फॉलो द यूजफुल प्लाव, और वो अपने उपयोगी हल्का वो अपने उपयोगी हल्का इस्तेमाल करते हैं।
कहाँ पे वो अपने उपयोगी हल का इस्तेमाल करते हैं, अपने खेतों में, यानी कि वो अपने हल से खेती करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मैले गंदे कपड़े में वो लोग खेती का कामकाज करते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि हम लोग किसी भी दरबारी की तुलना खेडूत के साथ कर सकते नहीं है। दे राइज विद द मॉर्निंग लार्क, यहाँ पे कवि कहते हैं दे यानी जो खेडूत लोग होते हैं वो सुबह में लार्क नाम का एक पक्षी होता है, वो बहुत ही जल्दी जाग जाता है और वो सुबह में पेड़ों के ऊपर गीत गाने लगता है। तो कवि यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जैसे कोई लार्क पक्षी सुबह में जल्दी से उठ जाता है, उसी तरह खेडूत लोग जो होते हैं वो भी उठ जाते हैं। एंड लेबर टिल ऑलमोस्ट डार्क, और शाम तक वो लोग सख्त मेहनत यानी सख्त परिश्रम करते हैं। देन फोल्डिंग देयर शीप दे हैशन टू स्लीप, और बाद में वो लोग अपने गिरदाने से बोल हिंदी